वेलकम बैक गाइस, फिर से आ चुका हूँ धमाकेदार वीडियो के साथ। ये डील अभी होने वाला है, 6 लोगों का 6 डील। पहले ही 2 डील में मेरे को कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला था, बैक टू बैक 2 बार ही मैंने ड्रॉप किया। जो डीलर है वही 2 बार डिक्लेयर किया था, उसका पॉइंट हुआ है 626। इस बार कार्ड देखो खेलने जैसा आया है, क्योंकि 10 जोका दुगत तो आया है, साथ साथ पीओ सिक्वेंस भी आया है। यहाँ पे बैगम को मैं सेट बना लेता हूँ, पहले ही बैगम का सेट बन जाएगा। चिड़ी का बैगम है, बैगम का हटा के बैगम को सेट बना लिया। अभी पान का 7, 8, 9 ये मेरा पीओ सिक्वेंस हो गया। जोका रेक है देख लेता हूँ, यहाँ पे चिड़ी का 7 या फिर 8 मिल जाने से 400 का सीक्वेंस भी बन सकता है। 4 मेरे को मिल चुका है, अभी रहने देता हूँ, क्योंकि हुकुम का 4 है, चिड़ी का 4 का सेट भी बन सकता है। अभी मैं पान का 5 को फेंकने वाला हूँ, क्योंकि 6 आएगा तो ऐसा ही मेरा 400 का सीक्वेंस बन जाएगा। मेरे पास अभी भी बहुत सारा कार्ड एक्स्ट्रा है, डिक्लेयर करने में टाइम लगेगा। देख लेता हूँ क्या मिलता है। जो कार्ड मिलना चाहिए उसने 5 फेंका है, हुकुम का 5, इसे मैं ले लेता हूँ। 3 चार तो था ही, यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया। अभी मैं जोकर को हटा देता हूँ और चिड़ी का 6, 9 इसे फेंक नहीं सकते, क्योंकि बीच में एक कार्ड आ जाने से मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। मैं अभी 4 को फेंकता हूँ, इनका 4 को छोड़ देता हूँ। अभी मेरे को और एक कार्ड चाहिए, देख लेता हूँ इसने क्या फेंकेगा। चिड़ी का 7 या फिर 8 फेंक दे, उसने 9 फेंका है। 9 का सेट बना लो, क्या सेट बना के क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट कम होगा लेकिन डिक्लेयर नहीं होगा। 9 का सेट बनाऊंगा तो और एक कार्ड मेरा रह जाएगा। अभी देखता हूँ, अभी मेरे को 5 मिल चुका है, अभी क्लोज डेक से मिला है, मतलब इसे रखना पड़ेगा। चिड़ी का 9 नहीं फेंकने वाला हूँ, क्योंकि चिड़ी का बत्ता किसी ने नहीं फेंका। अभी मैं 2 को छेड़ता हूँ, 2 को फेंक देता हूँ। वीडियो को पूरा देखना गाइस, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता चलेगा। उसने पान का 4 फेंका है, इसे लेके फायदा नहीं होगा, देख लेता हूँ क्या मिलता है। इनका 5 शायद ये काम आ सकता है, क्योंकि 5 का सेट बनाऊंगा तो डिगला कहने में मेरा आसान रहेगा। 5 का सेट पहले बनाता हूँ, देख लेता हूँ। जोकर को अगर इधर डाल देता हूँ फिर भी मेरा एक कार्ड रह जाएगा। चिड़ी का 9 को ही फेंकने वाला हूँ इस बार, 5 को मैं नहीं फेंक सकता, क्योंकि 5 का सेट बना के मैं डिगला कर सकता हूँ। इस बार मेरे को पहले ही डिगला कर देना चाहिए था, बहुत ही अच्छा कार्ड मिला है, लेकिन एक कार्ड के लिए टाइम लग रहा है। इसने तो ड्रॉप कर चुका है, अगर खेलता तो ज्यादा पॉइंट मिलने का चांस था। देख लेता हूँ इस बार क्या मिलेगा। इस बार मेरे को 10 मिल चुका है, 10 तो जोकर है, यहीं पे रहने देता हूँ। इनका पास एक्स्ट्रा है, इसे देखकर मैं फिनिश करता हूँ। वो ड्रॉप वाला बंदा बच गया, वो अगर ड्रॉप नहीं करता तो वहाँ से मेरे को 70 या फिर 80 पॉइंट मिलने वाला था। यहाँ से मेरे को टोटल पॉइंट मिला 163। नेक्स्ट डील स्टार्ट हो चुका है, देख लेता हूँ कैसा कार्ड मिला है। इस बार बैगम जोका जोका तो आया है, साथ साथ पीओ सिक्वेंस भी आया है। पान का 1 का 2 3 ये मेरा पीओ सिक्वेंस हो गया। यहाँ पे मैं बादशाह का सेट भी बना सकता हूँ, बादशाह का सेट हो गया। अभी बैगम को हटा के 1 का 2 3 कर लिया, छोटा बत्ता मिलने का चांस नहीं है, चिड़ी का 2 नहीं मिलेगा। अभी देखता हूँ बीच में 4 है, 4 लेके फायदा नहीं होता। अभी 9 मिल चुका है, 7 तो मेरे पास है, 8 मिल जाने से यहाँ पे भी सिक्वेंस बन सकता है, या फिर यहाँ पे जोका देके भी सिक्वेंस बना सकता हूँ। यहाँ पे एक दिक्कत है, चिड़ी का 2 नहीं आएगा, इनका 8 आ सकता है, 8 आ जाने से जोकर फ्री हो सकता है। यहाँ पे 2 बंदे ने ड्रॉप कर चुका है, हुकुम का 8 कोई काम का नहीं है, देख लेता हूँ क्या मिलता है। चिड़ी का 6 काम आ सकता है, 3 है, 6 है, मतलब 5 या फिर 4 आ जाने से 400 का सिक्वेंस भी बन सकता है। अभी मैं 8 को फेंकने वाला हूँ, हुकुम का 8 ये कोई काम का नहीं है, और ज्यादा पॉइंट रख के भी फायदा नहीं होगा। इस बार भी मेरे को बहुत ही अच्छा कार्ड मिला था, मैं डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन उससे पहले किसी और ने डिक्लेयर कर दिया। मैं भी डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ से मेरा 24 पॉइंट माइनस हो चुका है, उसको ज्यादा पॉइंट नहीं मिला, सिर्फ 107 ही पॉइंट मिला है। इस बार नेक्स्ट डील स्टार्ट हो चुका है, 9 जोगा 9 तो बहुत सारा आया है, पीओ सिक्वेंस भी आया है। चिड़ी का 9 10 गुलाम ये मेरा पीओ सिक्वेंस हो गया। चिड़ी का 4 5 है, 9 डाल के 4 5 6 कर लिया। अभी पान का 2 3 के साथ एक जोका डाल देता हूँ, यहाँ पे पान का 1 का मिलने का चांस है, 10 का यहाँ पे सेट भी बना सकता हूँ, या फिर पान का गुलाम आ जाने से सिक्वेंस भी बन सकता है। यहाँ पे 2 बंदे ने ड्रॉप कर चुका है, उसने चिड़ी का 7 फेंका है, 7 को मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 को लूंगा तो 4 5 6 7 जोकर देके यहाँ पे 400 का सिक्वेंस बन जाएगा। अभी 5 को फेंक देता हूँ और एक कार्ड चाहिए, एक कार्ड मिल जाने से मैं इसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। इस बार भी बहुत ही अच्छा कार्ड मिला है, सिर्फ एक कार्ड, इस बार शायद डिक्लेयर हो जाएगा, देख लेता हूँ। उसने बादशाह फेंका है, गुलाम फेंकता तो मेरा कम बन जाता। इस बार मेरे को 9 मिल चुका है, 9 तो जोकर है, 10 गुलाम बेगम बना लिया। अभी चिड़ी का 10 देके मैं फिनिश करता हूँ, शायद इस बार ज्यादा पॉइंट मिलने वाला है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी डिक्लेयर किया हूँ। इस बार पॉइंट देखो, मेरा पॉइंट है 800 के ऊपर, और जो सेकंड है उसका पॉइंट है 566। लेकिन इस बार मेरे को कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला है, इसे तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। जो सेकंड है वो अगर डिक्लेयर करेगा तो कंफर्म मेरे से आगे चला जाएगा, और जो थर्ड है 530 पॉइंट, वो अगर डिक्लेयर करेगा तो मेरे से आगे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, और बाकी 3 लोग अगर डिक्लेयर करेगा तो मैं फर्स्ट ही रह जाऊंगा। सो मैं इसे ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे डिक्लेयर किया 254 वाला बंदा, उसका अगर पहले से ज्यादा माइनस नहीं होता तो वो सेकंड आ जाता, फर्स्ट भी हो सकता था, क्योंकि तब मेरे को इतना पॉइंट नहीं मिलता। इसलिए कहता हूँ कि जिसे आप डिगला कर सकते हो सिर्फ उसी को खेलो। अगर आपके पास अच्छा खासा पॉइंट नहीं है तो आप 5th या 6th डील में रिक्स ले सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइस। गेम प्ले अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और किसी ने नहीं हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, टेक केयर।